आज हम देखेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग। तो रैखिक प्रोग्रामिंग में हमें तो अस्मिकाएं दी गई हैं और अस से हमें जेड मैक्स ज्ञात करना है, अधिकतमीकरण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अस्मिकाओं को रैखिक रूप में चेंज करने पर। तो 5x + 2y इज लेस देन इक्वल को हम चेंज करेंगे रेखा के रूप में। तो पहले लिखेंगे समीकरण रूप में चेंज करने पर, परिवर्तित करने पर, तो हो जाएगा 5x + 2y = 10। और दूसरा बन जाएगा 3x + 5y = 15। अब इसे हम हल करेंगे। पहले इस वाले में x = 0 रखेंगे, जब x 0 हो जाएगा तो y का मान मिल जाएगा मुझे 5। x 0, y = हो जाएगा ये 10, तो y के बाद में जाएंगे 5 बचेगा। इसके बाद y = 0 तो x = हो जाएगा 2। तो जो ये वाली रेखा है तो हम कह देंगे रेखा 5x + 2y = 10 ए 0.5 से होकर जाती है, तथा बी मान लेंगे 2.0 से होकर जाती है इसी प्रकार इसका करेंगे तो हो जाएगा x = 0 तो y = हो जाएगा 3, और y = 0 तो x = हो जाएगा 5। ये वाली रेखा किससे होकर जाएगी, ये रेखा जाएगी 3x + 5y = 15 रेखा सी 0.3 और डी हो जाएगा 5.0 से होकर जाती है। हम ये चेक करेंगे इसका क्षेत्रफल किस साइड होगा, अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो ये वाली जो अस्मिका है इसमें हम x/0 रखेंगे, जब x/0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 = 10। हम चेक करें क्या ये बात सत्य है, क्या 10 जीरो से बड़ी है तो ये घटना सत्य होगी। सत्य होगी तो क्षेत्रफल उसे कितना जाएगा, मूल बिंदु की ओर, और अगर यह असत्य होता तो बाहर की ओर जाता है। इसमें भी चेक करेंगे तो इसकी अस्मिका यह है, इसमें x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो ये भी हो जाएगा 0 < 15। ये भी घटना कैसी होगी, सत्य। और अगर सत्य होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका, अंदर की ओर, दोनों के क्षेत्रफल अंदर की ओर होंगे या मूल बिंदु की ओर होंगे। अब इससे हम आलेखीय विधि से ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा और ग्राफ में चेक करेंगे बिंदु कितने हैं, 5 है 2 है 3 है 5 है, यानी मैक्सिमम 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम एक करके बिंदु शो करेंगे, इस पे पहला है 0.5, x = 0, y = 5, x = 0, y = 5, बिंदु कौन सा होगा ये 0.5। दूसरा कितना है 2.0, x = 2, y = 0, x = 2, y = 0, तो ये वाला बिंदु ऐसे मिल जाएगा, ये रेखा ऐसे है। कौन सी रेखा है, 5x + 2y = 10। इसी प्रकार ऐसे शो करेंगे 0.3, x = 0, y = 3, तो ये हो जाएगा C 0.3, और D कैसे हो जाएगा 5.0, x/5 यानी 5.0, ये D, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इस रेखा का नाम कितना हो जाएगा, 3x + 5y = 15। इसका क्षेत्रफल अंदर की ओर जा रहा था, मूल बिंदु की ओर, तो ये वाली रेखा कौन सी है, पहली वाली है 0.5 वाली, तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे करेंगे मूल बिंदु की ओर ऐसे, इसका क्षेत्रफल कितना जा रहा था अंदर की ओर, इसका भी ऐसे करेंगे ऐसे। अब हम वाई क्षेत्र निकालेंगे जो दोनों से ओवरलैप हुआ हो, तो ये वाला क्षेत्र दोनों से ओवरलैप हुआ है, ये वाला, अब ये वाला ओवरलैप हुआ है, तो इस बिंदु का हमें हल करना पड़ेगा। इस बिंदु का हल कैसे करेंगे,
इन दोनों रेखाओं को हम कटान बिंदु, इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे, ये रफ पे करना है। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 50, और ये वाला कितना है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इन्हें हम हल करें तो करते हैं, इसमें 5 का गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 6y इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 15x 35y इक्वल टू 75। कैंसिल हो जाएगा ये माइनस करेंगे तो 25 में से घटाएंगे 19 बचेगा, ये घटाएंगे कितना बचेगा 45, तो y इक्वल टू आ जाएगा 45/90। ऐसी x का मान निकालेंगे y का मान किसी एक समीकरण में रखने पर, मान लेते इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 2, y का मान 45/90 इक्वल टू 10, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 90/90, तो x बराबर हो जाएगा 100/5 इंटू 90, तो ये जाएगा 20/90। x का मान ये मिल गया, y का मान ये मिल गया, ये बिंदु कहाँ शो कर देंगे यहाँ पर, तो 20/19 कॉमा 45/90, रफ कहाँ है रफ भी करके हटा दें। अब टेबल बनाएंगे अधिकतम बिंदु के लिए, तो हम टेबल यहां पर बना देंगे, तो यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु, और यहां क्या लिख देंगे संगत मान, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे 0,0, दूसरा रखेंगे वह बिंदु रखेंगे जो इससे घेरा हुआ है, दूसरा कितना रखेंगे 0,3, यहाँ कितना रखेंगे 2,0, और कौन सा हो जाएगा 20/19 कॉमा 45/90। अब ये मान हम रखेंगे इस समीकरण में जेड में, तो जेड कितना दिया है इसमें जेड बराबर 3x प्लस 2y, तो पहला हल करेंगे x बराबर 0, तो 0 प्लस 0 0 होगा, दूसरा कितना होगा यहाँ पर x का मान 0 तो हो जाएगा 0, y का मान 3 3 6, ये 6 हो जाएगा, ये रखेंगे x का मान 2 तो 6 और 0 ये भी 6 होगा, अब ये वाला मान रखेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 20/19 प्लस 2, y का मान 45/19, इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 90/19, तो हो जाएगा 150/19, तो ये जाएगा 90, तो इसमें सबसे अधिक मान किसका होगा ये होगा, तो लिख देंगे जेड मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 150/19, तो हम लिखेंगे क्या बिंदु 20,19,45/19 पर जेड का अधिकतम मान 150/19 होगा, यही हो जाएगा इसका।